हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज के हमारे हिस्ट्री के प्रीमिक्स में पांच क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे हिस्ट्री आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने चार स्टेटमेंट्स हैं आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आइडेंटिफाई करना है कि किस डायनेस्टी के बारे में ये बात हो रही है किंगडम तो पहली स्टेटमेंट है किंगडम जानी जाती थी जेज का भुक्ति ड्यूरिंग एंड सेंचुरी हर्ष देव वॉज फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी फेमस टेम्पल ऑफ पारसनाथ और विश्वनाथ वो बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम और परमादी वॉज द लास्ट किंग हु फॉट विद पृथ्वीराज चौहान गुप्ताज मौर्याज चंडेलाज या खंगर चार डायनेस्टीज़ हैं आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है सी चांडेला डायनेस्टी राइट इलिमिनेशन के बेसिस पे ही ये आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो मॉडर्न बुंडेलखंड जो है इट वाज नोन एज का भुक्ति ड्यूरिंग द एंड दिलेवेंथ सेंचुरी एंड वाज रूल्ड बाय दी चांडेलास ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स ऑफ खजुराओ दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दर टाइम हर्षदेव फाउंडर थे इस डायनेस्टी के देन इनके सुपुत्र यशोवर्मन आए जिन्होंने आ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया चंडेलास के लिए एक एंपायर खड़ा किया देन उसके आगे आ, उनके सुपुत्र धंग आए देन फर्दर गंध राइट हिस्साधर विद्याधर सॉरी देन कीर्ति वर्मन एंड लास्ट रूलर परमादी हु विद पृथ्वीराज चौहान राइट कीर्ति वर्मन जो थे ही मेट विद मुस्लिम इन्वेजन बट फिर भी एस्केप कर पाए इवेंचुअली मोहम्मद गजनी ने जब अटैक किया तो किंगडम जो थी डेनेस्टी जो थी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई और ऑलमोस्ट खत्म हो गई फाइनली जो लास्ट किंग थे परमादी फोर्ट विद पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ महोबा जिसकी कहानी जो है परमल रासो में लिखी गई है तो ये थी चंडेलस के बारे में बहुत ही ब्रीफ सी आ, समरी आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन आज का तो एक जियोलॉजिकल फीचर है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल मैसिव स्टोन और रॉक सच एज माउंटेन्स या सिंगल लार्ज पीस ऑफ रॉक विद इन अ मोन्यूमेंट और अ बिल्डिंग उसको क्या कहते हैं मेगालिथ मोनोलिथ क्रोमलेख और डोलमेन तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए इलिमिनेशन से आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर है बी मोनोलिथ तो so, मोनोलिथ क्या है एक जियोलॉजिकल फीचर है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल मैसिव स्टोन और रॉक राइट सच एस माउंटेन्स या कोई एक सिंगल लार्ज पीस ऑफ रॉक जिससे कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बनाया गया है या किसी मॉन्यूमेंट के अंदर प्लेस किया गया है राइट right? तो जनरली जो है इरोजन uh, की वजह से ऐसे जियोलॉजिकल जियोलो, फॉर्मेशन जो हैं वो विजिबल होने लग जाती हैं कई बार फॉर्मेशन का रीजन भी यही होता है अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो जो टर्म मोनोलिथ है उसका काफी काफी ओवरलैप है विद द टर्म मेगालिथ राइट मेगालिथ जो टर्म है वो हम प्री हिस्ट्री में यूज करते हैं फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर हो गए या सॉलिड रॉक हो गया रॉक हो गया राइट right? तो कई बारी आप एज अ सिनोनिम ही यूज कर लेते हैं हम टर्म मोनोलिथ को भी राइट right? जैसे कि मोनोलिथिक चर्च मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मोनोलिथिक टेम्पल कुछ भी तो ये क्यों न्यूज में है क्योंकि दुनिया भर में एक मोनोलिथ जो है मिस्टीरियसली अपियर हो रहा है सेवरल जगहों में राइट right? uh, दो अपीयर हुए हैं रिसेंटली पोलैंड में यूटा में हुए रोमानिया कैलिफोर्निया यूके राइट तो दुनिया भर में ये मोनोलिथ अपियर हो रहे हैं और न्यूज में है आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का रूत रोत नाच इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑप्शन हैं राजस्थान गुजरात उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर है रौत नाच का डी छत्तीसगढ़ तो क्या है रौत नाच एक डांस है विच इज विच वाज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द यादवा कम्युनिटी अ कास्ट विच कंसीडर्स देमसेल्फ टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा ये उनके लिए एक सिंबल ऑफ वर्शिप टू लॉर्ड कृष्णा है और देव उदनी एकादशी के दिन ये परफॉर्म किया जाता है दिवाली के कुछ दिन बाद लगभग एक हफ्ते के लिए राइट Why it is performed to celebrate the triumph of good over evil? Originate हुआ था ये छत्तीसगढ़ में, but आजकल लोकप्रिय हो गया है, तो not just Yadwas, other people have also started to perform this very dance. बाकी community के लोग भी इसको perform करने लग गए हैं। Essence क्या है music का, कि इस dance के time पे दोहे गाए जाते हैं, written by Tulsidas and Kabir. रिसाइटेड बाय अ सिंगर, राइट तो साथ ही साथ क्या है स्टिक्स और मेटल शील्ड यूज किए जाते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये विक्ट्री डांस है ट्राइबल डांस है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है. होती हैं, राइट right? जो डांसर्स हैं, उनके बेल्स टाई की गई होती हैं वेस्ट के अराउंड जिससे म्यूजिकल इफेक्ट भी आता है राइट right? और इस डांस फॉर्म में इसेंशियली जो डांसेस है वो लॉर्ड कृष्ण और इविल किंग कंस की जो बैटल थी उसको इनैक्ट करते हैं यूजिंग द स्टिक्स एंड द मेटल शील्ड्स दैट वी जस्ट टॉक्ट अबाउट राइट तो ट्राइबल डांस विक्ट्री डांस कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन किया जाता है राइट right? ये आप देख सकते हैं इसकी एक इमेज आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन आज का इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हैं तो न्यूज़पेपर्स और उनके फाउंडर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर्पज ये है कि आपको इसके थ्रू नॉलेज डिलीवर करी जाए देन टू टेस्ट यू ऑन दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मद्रास कोरियर रिचर्ड जॉनसन बंगाल गजेट जेम्स हिकी परिदर्शक बिपिन चंद्रपाल, पाल संबद परवाकर रावबंदर नारायण दीनानाथ वेलकर मिरात उल अखबार राजा राम मोहन रॉय और सोम प्रकाश वी एन मांडलिक तो ये न्यूज़पेपर्स हैं करेक्ट आंसर है कि कौन कौन से सही मैच हैं इज ऑप्शन ए वन टू थ्री एंड फाइव फोर जो है संबद परवाकर और सिक्स जो है सोम प्रकाश ये इनकरेक्टली मैच हैं संबद परवाकर शुरू किया था ईश्वर चंद्र गुप्ता ने बंगाली न्यूज़पेपर 1832 में शुरू हुआ था और सोम प्रकाश जो है एक और बंगाली न्यूज़पेपर है शुरू किया गया था द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1858 में इसको सेटअप करने में द्वारकानाथ विद्याभूषण की हेल्प करी थी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संबद परवाकर और सोम प्रकाश आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट बट नॉट द लीस क्वेश्चन बुद्ध के ऊपर सवाल है द वन हैविंग ब्लू स्किन राइट हैंड फेसिंग डाउनवर्ड fingers extended towards the ground, palm facing outward toward the viewer, or a bowl of herbs resting in the left hand upon the lap. ये जो पूरी depiction है, जो हमारे इस video के शुरुआत में थी, right? ये किस बुद्ध को depict करती है? Teaching बुद्ध, reclining बुद्ध, medicine बुद्ध, earth calling बुद्ध. तो आप options consider कीजिए और इलिमिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए तो रिक्लाइनिंग बुद्धा नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धा अपराइट है देन टीचिंग बुद्धा मेडिसिन बुद्धा अर्थ कॉलिंग बुद्धा अ बोल ऑफ हर्ब्स रेस्ट्स इन द लेफ्ट हैंड तो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड सिंबलिज्म जो है वो हीलिंग की है वो मेडिसिन की है तो करेक्ट आंसर है सी मेडिसिन बुद्धा आप ये इमेज देख सकते हैं ब्लू कलर की स्किन राइट हैंड राइट हैंड बाहर की तरफ फेस कर रहा है पाम लेफ्ट हैंड में बोल ऑफ है रेस्टिंग ऑन द लैप ये मेडिसिन बुद्धा है इट इज डिपिक्टेड इन पेंटिंग्स हैविंग ब्लू स्किन राइट चाहे पेंटिंग हो चाहे स्टैचू हो राइट हैंड डाउनवर्ड फेस कर रहा है फिंगर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द ग्राउंड पाम फेसिंग आउटवर्ड और बोल ऑफ हर्ब इन द लेफ्ट हैंड अपॉन द लैप ये आप याद रखिए ये जो राइट right हैंड फेसिंग आउटवर्ड है इट सिग्निफाइज ग्रांटिंग अ बून मतलब कि कोई आप ब्लेसिंग दे रहे हो मैनकाइंड को राइट right? देन ये जो डिपिक्शन है बुद्ध की इट इज कॉमनली फाउंड इन बुद्धिस्ट टेम्पल इन नेपाल एंड तिब्बत तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेडिसिन बुद्ध तो आज के हिस्ट्री के प्रेमिक्स में यही पांच सवाल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रेमिक्स में तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग